कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कई छात्र दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में अजमेर के 8 छात्र तजाकिस्तान में फंसे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि उनके बच्चे 3 साल से तजाकिस्तान में MBBS की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ही वो अपने घर पे आने की सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। ऐसे में अब उनके पास में रोजी रोटी का संकट भी आ खड़ा हुआ है। भारतीय दूतावास की ओर से भी उनके अभी तक कोई भी सहायता नहीं की जा रही है। अजमेर के सर 7-8 बच्चे हैं और इसके आसपास के भी काफ़ी बच्चे हैं। पूरे राजस्थान से करीब 800 बच्चे हैं और ऑल इंडिया के अपने इंडिया के 1280 बच्चे हैं। क्या करने गए थे बच्चे? वो सर सब MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। यहाँ से 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्जाम में ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके बाद में अब वो वतन आने का इंतजार कर रहे हैं। वंदे भारत मिशन के द्वारा उनको मात्र 2 फ्लाइटें दी गई, एक 27 मई को है जो केरला जाएगी, दूसरी फ्लाइट 28 मई को है जो राजस्थान आएगी। उसमें मात्र 150-150 बच्चे आ रहे हैं। 800 बच्चे में से 150 बच्चे आए हैं और अभी 13 जून तक फ्लाइटों का कोई भी शेड्यूल नहीं है। इसके बाद में ही शेड्यूल बनता है। अगर 800 बच्चों में से 150 ही बच्चे आते हैं तो बाकी के बच्चे ऐसे कितने दिनों में आएंगे? इसलिए हमारी राजस्थान सरकार से यही गुहार है कि हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा फ्लाइटें लगा करके जल्दी से जल्दी वतन वापसी कराएं।